अनुपम सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमी में सर थैंक यू थैंक यू कपिल थैंक यू वेरी मच बहुत दिनों से आना चाहता था मैं भी सर हम भी बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे लेकिन आप अपने शो में बिजी थे जी सिद्धू भाई जी आप हमेशा कहते थे ना ओए गुरु ओए गुरु सो मेरे आज गुरु आए एक्चुअली क्योंकि जिन्होंने फिल्म फेयर में कॉमिक एक्टर के तौर पर पांच बार फिल्म फेयर जो है हासिल किया तो मेरे तो ये गुरु है जोरदार ताली अनुपम सर के लिए भाग्य फिल्मी दुनिया में सबका देर सवेर बनता है जी कोई यहां अनमोल हीरा तो कोई राख का ढेर बनता है और जिसने जीते हो अपने हुनर से कामयाबी के आसमां जमाने में वही अजीम फनकार अनुपम खेर है <laughs> इसमें कोई शक नहीं है बाजी बिल्कुल सही फरमाया आपने अनुपम सर कैसे हैं आप से, सेंसेशनल सेंसिटिव था ये ये सवाल ही मेरा पूछना गलत था क्योंकि मैं जब से देख रहा हूं अनपम सर को 30 साल से बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं अरे आपका मतलब जब मैं 25 साल का तब भी 55 का लगता था ये क्या बात हुई नहीं सर मेरा कहने का मतलब कि आप आज भी 25 के लगते हैं नहीं नहीं ये गलत बात नहीं आपको ऊपर की खेती उड़ी है <laughs> सर आपने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत जो थी वो सारांश फिल्म से की थी जी शिमला से जब आप एक्टर बनने के लिए निकले और सारांश में नोटिस किए जाने तक बीच का सफर कैसा रहा सर बहुत लंबा आ, क्योंकि 19 साल की उम्र में मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए थे जी और फिर मैंने ड्रामा स्कूल चंडीगढ़ से कोर्स किया फिर तीन साल का दिल्ली में कोर्स किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से फिर मैं लखनऊ पढ़ाने गया वहां तक तो ठीक था क्योंकि पढ़ाई करता जा रहा था फिर मैं थर्ड जून 1981 को मैं बॉम्बे में आया अच्छा जी तो आ, ये तो बड़ी डिग्निफाइड सेक्सी लुक है पर जब आदमी नया नया गंजा होता है तो आधे बाल यहाँ से जाते हैं आधे बाल यहाँ से जाते हैं और मैं बहुत पतला था तो यहाँ काम ही नहीं मिलता था आ, लोगों को आदत थी बालों वाला हीरो चाहिए जिसके और एक्टिंग हो ये एक्टिंग आती ना हो तो चलेगा लेकिन बाल जरूर होने चाहिए तो ये तीन साल ऐसे निकले तीन अच्छा। साल मतलब बहुत होते हैं ओके। किसी ने कहा कि विग लगा के घुमा करो किसी ने कहा कि फोटो अच्छे खिंचाओ और मुझे यहाँ याद है मैं एक सोहनलाल कंवर जी करके एक डायरेक्टर थे ओके। तो उन्होंने मुझे तीन महीने के बाद बुलाया कि आज मेरे ऑफिस में आ जाओ तो मैं अपने फोटोग्राफ लेकर ऐसे शर्ट्स में डालता था और बारिश पड़ती थी तो ऐसे चल के जाता था तो थिएटर के फोटोग्राफ थे मेरे पास तो फाइनली मुझे सोहनलाल कंवर जी वो किसी के साथ बैठे थे और बार बार अपने फोटो उनको दिखा रहे थे मैं देख रही थी और बार बार अपने मेरे फोटो देखकर साथ वाले को कह रहे थे राम केलकर करके राइटर थे अच्छा अत्य देखो जी अत्य देखो जी भाजी अत्य एक्सप्रेशन देखो तो मैंने कहा यहाँ से तो मैं मेन रोल लेके निकला ही निकला हाँ। उसके बाद बोलते हैं तू तो ठीक है जो तो तेरे पीछे लड़का खड़ा ये कौन है <laughs> मैंने कहा जी ये मर गया लास्ट महीने <laughs> <laughs> तो आ, बहुत ही कठिन था वैसे बेसिकली पर मेरा एक कमाल की बात ये थी कि मेरा पहला एड्रेस वो बहुत जबरदस्त था जब मैंने बॉम्बे शिफ्ट किया तो मेरा पहला एड्रेस था मेरी म, मकान मालकिन धोबन थी जी और हम तीन लोग चार लोग एक ही कमरे में रहते थे बट मेरा एड्रेस था अनुपम खेर टू बाई फिफ्टीन खेरवाड़ी खेर नगर खेर रोड क्या आगे। आगे। है

मतलब मतलब क्या? कि और, <laughs> एक एक और उन्होंने मुझे <laughs> कहा था आप यहाँ आइए हम आपको बहुत तनखा देंगे और घर देंगे रहने के लिए तो उन्होंने हमारा स्टाफ आपको लेने आएगा अच्छा तो जब मैं आया तो वहाँ कोई लेने नहीं आया आपके साथ ही एक्टिंग करके मेरे साथ ही मतलब फिर मेरे एक दोस्त है सुहास खांड के उनके घर पे मैं ठहरा और बाकी लोगों के घरों को भी एग्जॉस्ट कर दिया था इनफैक्ट मेरे राजदान मेरे दोस्त थे उनके घर जाता था तो एक साल तक तो सब लोग अच्छे तरह से बिहेव करते थे फिर उसके बाद उनको लगने लगा ये तो रोज आ जाता है शाम को खाना खाने या पैसा मांगने फिर वो दूर से ही देखते थे आ गया आ गया आ गया <laughs> तो आ, फिर वहां रहा मैं फिर उसके बाद एक और जगह थी शास्त्री नगर एक और अच्छा किस्सा सुनाता हूँ आपको मेरे लखनऊ के दोस्त है प्रमिल खन्ना जो हमारे उनको उनके पिताजी ने सिर्फ एक दिन एक एक साल का टाइम दिया था अच्छा कि तू एक एक साल एक साल स्ट्रगल कर ले और अगर तेरा कुछ नहीं हो तो वापस आ जाना अच्छा तो पंखा वो लेके आया था उनकी इलेक्ट्रिक की दुकान थी तो एक दिन जून जुलाई के महीने में आ, मैंने देखा प्रमिल पंखा उतार रहा है अच्छा। मैंने कहा पंखा क्यों उतार गया था मेरा साल पूरा हो गया <laughs> हमने उसके पाँव पढ़ लिए कि तू पंखा छोड़ के जा और हम और भी सोचते थे एक दूसरा हमारे पास पंखा था जो पंखा टेबल फैन होता है ना हाँ. तो हम रात को सोते थे तो वो खड़खड़ खड़खट -खड़ करते -खड़ 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 तो तीनों हम जो सोते थे ऐसे सोते थे <laughs> तो प्रैक्टिस हो गई आई थिंक ये किससे याद रखने से आपकी जिंदगी के जो दुख हैं जो गम हैं जी थोड़े कम हो जाते हैं जी जी बिल्कुल ऊपर टेरेस पे सोते थे तो बारिश आ जाती थी तो सीढ़ी पे सोते थे तो सीढ़ी पे ऐसे करके सोना सीख लिया था मतलब वर्सेटाइल शुरू से रहे हैं आप बचपन से <laughs> बचपन <बच्च्चमन> से अच्छा सर आज आजकल तो इतने सारे चैनल्स हो गए हैं रियलिटी शोज हो गए हैं बड़े सारे लोगों को मौका मिल जाता है कि आप जाके अपना ऑडिशन दे दीजिए या किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर लीजिए उस समय आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था सर और हमने कहीं पे यह भी सुना है आपके इंटरव्यू में सुना था कि सारांश फिल्म में जब आपने फादर का किरदार निभाया था उस समय अनुपम खेर सर की उम्र सिर्फ अट्ठाईस साल थी तो और पैंसठ साल के आदमी का किरदार निभाया लेकिन वो फिल्म पहले आपको दे दी गई बाद में कुछ फिर फिर गड़बड़ हो गया था कुछ तो हाँ हुआ वो बड़ा लेजेंडरी किस्सा है कि भट्ट साहब ने मुझे वो फिल्म दे दी जी आ, मैंने छह महीने उस पर काम भी किया और फिर मुझे दस दिन पहले शूटिंग हमारी शुरू होनी थी फर्स्ट जून 1984 को ओके और 20 दिसंबर 1983 को मेरे मेरे एक दोस्त ने फोन पर बोला की मैंने सुना तू वो रोल नहीं कर रहा है अच्छा तो मैंने कहा ऐसा कैसे तो मैंने भट्ट साहब को फोन लगाया मैंने कहा भट्ट साहब मैंने सुना कि वो रोल संजीव कुमार कर रहे हैं जी तो भट्ट साहब ने बड़े कैजुअली बोला हाँ यार वो राजश्री प्रोडक्शन वाले राजोडक्शन है, तो है तुम दूसरे बुढ़े का रोल कर लेना अच्छा फिर मैंने सोचा यार मैंने तीन साल मैंने यहाँ गुजारे मैंने सड़कों की खा, खाक छानी मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया बीच पर सोता था मैं अगर ये आदमी मेरे साथ धोखा कर सकता है तो मुझे इस शहर में रहना ही नहीं अच्छा मैं वापस चला जाऊंगा शिमला या कहीं जहां मैं टीचर बन जाऊंगा पर मैंने सारा सामान पैक कर लिया अपना सिद्धू साहब और फिर मुझे तो लगा कि मैं एक बार जाने से पहले भट्ट साहब को बोल दूं कि आप हैं क्या अच्छा तो मैं टैक्सी लेकर सारा सामान अपना रख कर गया और ऊपर उनके घर पर गया और मैंने उनसे कहा कि आपने वाकई संजीव कुमार साहब को लेने की सोच ली है तो उन्होंने कहा हाँ क्या है कि सेलेबल एक्टर है तुम अभी नए न्यू कमर हो मैंने कहा मैं तो छह महीने से आपके इस रोल पर काम कर रहा हूं और फिर मेरा जो है का बांध टूट गया मैंने मैंने उनको उनको फिर दी मतलब वो मैं टेलीविजन पे नहीं बोल सकता मतलब ऐसी गालियां उनको नहीं मैंने कहा मैं आपको श्राप देता हूं मैं ब्राह्मण हूं आपको मेरा श्राप लगेगा फ्रॉड हैं आप एक चीट हैं आप पिछले छह महीने से मुझे बोल रहे हैं कि मैं और मैंने सारे घर गर... मेरा क्या होता था जैसे मुझे छोटा सा रोल मिलता था मैं सबको बोलते था मिल 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 गया मिल गया गया क्योंकि घर वाले परेशान करते थे ना कुछ हुआ तेरा, कुछ हुआ हुआ तेरा तेरा और मैं महीने में तो मैंने पूरी दुनिया को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं आ गया हूँ फिर उन्होंने मेरा अभी तो मैं हंस के बता था मैं उस समय रो रहा था रो रहा था गुस्से में था परेशान था और फिर उन्होंने राष्ट्रीय प्रोडक्शन वालों को फोन किया और बोला कि इसने तुक जो अभी मेरे सामने किया है इसके बाद तो मैं ये फिल्म सिर्फ इसी के साथ बनाऊंगा एंड एज दे से क्या बात है इनफैक्ट सारांश में एक बड़ा लेजेंडरी सीन है जिसमें मैं अपने बेटे की अस्थियां लेने जाता हूं जी तो मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ सर मतलब उस समय तो आपकी शादी भी नहीं हुई थी हाँ। और ये सब एक्सपीरियंस नहीं थे आपको नहीं था नहीं था कि बेटा मर गया है और अमेरिका में मर गया है पच्चीस तीस साल का बेटा है तो मैं वो सीन मुझसे लोग बहुत पूछते हैं कि आपने कैसे वो जज्बात पेश किए कैसे आपने वो आंख में आंसू लाए और बड़ा डेस्परेट सीन था वो एक बाप का जो अपने बेटे की अस्थियां लेना लेने कस्टम ऑफिसर पे जाता है तो मेरा जवाब ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भट्ट साहब को बोला मैंने कहा भट्ट साहब मैं इसकी रिहर्सल नहीं करना चाहता आप कैमरा लगा के रखिए मैं थोड़ी देर उधर देखता हूं और जब मैं आपको ऐसे बोलूंगा तो आप कैमरा ऑन कर देना और मैं जब इधर को मुड़ा तो मैंने यह सोचना शुरू किया कि अगर इस पिक्चर में तेरा कुछ नहीं हुआ <laughs> <laughs> अगर इस पिक्चर में तेरा कुछ नहीं हुआ अगर तेरे को इस पिक्चर से निकलते निकलते वापस बच गया तो तुझे वापस शिमला रहना पड़ेगा तू बर्बाद हो जाएगा तेरी सारी ट्रेनिंग टीवी लेने नहीं आया हूं मैं मैं मरे हुए बेटे की लेने आया हूं मैं। तो सारे तो निकला तो क्या बात है सर ये तो जो जो एक्टर बनना चाहते हैं जो इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए एक एक, एक सम टिप्स हैं कि मिसाल आपको इमोशनल होना है तो ऐसी चीजें जो भाई अगर कुछ नहीं हो तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा हो जाए इमोशनल जितना हो सकते हो ऐसा सीन करना होता तो थैंक यू सो मच सर ये हमें शेयर करने के लिए अच्छा वैसे अनुपम सर आपको पर्सनली किस चीज को ज्यादा एंजॉय करते हैं आपको कैरेक्टर करने में या कॉमिक रोल करने में या विलन का किरदार करने में कपिन मुझे जर्नी बड़ी अच्छी लगती है मुझे रोज सुबह उठकर मेकअप करना शूटिंग पे आना प्रोग्राम्स में आना ये अपने आप में इतनी उपलब्धि है बट कोर्स कॉमेडी करना लोगों को हंसाना सबसे बड़ा अच्छा लगता है आजकल के जमाने में लोगों को हंसने का मौका कम मिलता है तो इसलिए आप इतना अच्छा काम कर रहे हो पिछले इतने महीनों से कि आपने लोगों की जिंदगी में एक इतनी बाहर लेकर आए हो जिसके लिए है सर so <laughs> so, के साथ हम ढेर सारी बातें करेंगे सर आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए जोरदार तालियां सर के लिए <laughs> सर जब आप 28 साल के थे तब आपने 65 साल के आदमी का किरदार किया जी जब आप कल को 65 साल के हो जाएंगे जी तो आपको अट्ठाईस हाँ। हाँ। <laughs> और अनुपम सर जैसे एक्टर हो फिर तो हो ही सकता है और आजकल की दुनिया में तो सब कुछ पॉसिबल है आजकल बहुत सारे हीरो जो है वो अपना वी में सब निकाल देते झूरिया बोरिया मेरे झूरिया आने में भी पचास साल बाकी है यार और सबसे बड़ी बात है कि जिनके बाल नहीं होते उनके झुरियां आती नहीं यहां पर देखो